Good morning, everyone. This is Lalit Narayan Mahato, and I'm going to teach today the Brayton cycles of BTech 7 semesters. Good morning, Bunty. So let us discuss effect of pressure ratio on Brayton cycle. So previous class we have discussed the Brayton cycle and the efficiency for Brayton cycle. So therefore efficiency of Brayton cycle is 1 minus 1 by Rp to the power gamma minus 1 by gamma. Okay, good morning, Bunty. So the efficiency of Brayton cycle is a function of the pressure ratio. So the more the pressure, the more the pressure, the more will be efficiency.
Okay. Steed and this is S. So let's discuss the Brayton cycle for different maximum and minimum temperature. बंटी कुमार सो वन दिस इज टू टू डबल डेंस एंड टू डेंस थ्री डेंस फोर डेंस in three double tens four now so this is our t minimum sir screen mein sir zoom ka dikh raha hai sir aap likh rahe ho sunne dikh raha okay ignite यस सर अब दिखा टी मैक्सिमम सो प्रीवियस क्लास हम लोग डिस्कस किए थे ब्रेटन साइकिल नाउ डिस्कस करें इफेक्ट ऑफ प्रेशर रेशियो ऑन ब्रेटन साइकिल पे सो प्रीवियस में देखें कि हम ब्रेटन साइकिल का एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करता है प्रेशर रेशियो पे सो द मोर द प्रेशर रेशियो देयर विल बी मोर द एफिशिएंसी ठीक है बट सेम यहाँ पे कंडीशन है इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज द प्रेशर रेशियो देन वी हैव टू इंक्रीज द हीट एडिशन ठीक है सो फॉर दैट यू हैव टू इंक्रीज द मैक्सिमम टेम्परेचर ठीक है एंड द मिनिमम टेम्परेचर इज फिक्स डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग टेम्परेचर एंड दिस मैक्सिमम टेम्परेचर हाउ कैन वी फिक्स दिस मैक्सिमम टेम्परेचर इट कैन बी फिक्स डिपेंड्स ऑन द ब्लेड मटेरियल्स जैसे कि रैंकिन साइकिल में क्या था जो मैक्सिमम मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन कैसे डिसाइड होता था अपर हीट एडिशन टी मैक्स इट डिपेंड्स ऑन द मेटलिकल कंडीशन ऑफ द ब्लेड्स पे सिमिलरली वैसे ही यहाँ पे भी है सो एवरेज टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन क्या होगा एवरेज टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इफ थ्री टू टू के लिए अगर हम लोग चलते हैं तो दैट मीन्स टी एम वन अगर हम लोग लिखते हैं एच थ्री माइनस एच टू डिवाइडेड बाय एच थ्री माइनस एच टू सिमिलरली हीट रिजेक्शन के लिए अगर मैं बात करूं हीट रिजेक्शन एवरेज टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन टी एम वन टू That means H4 minus H1 divided by S4 minus S1. So
कहने का मतलब है एज द प्रेशर रेशियो इज इंक्रीज द एफिशिएंसी स्टेडली इंक्रीज बिकॉज टीएम वन दैट मींस मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इंक्रीज एंड टीएम टू डिक्रीज। ठीक है, सो बट दोनों टेम्परेचर के क्या है, लिमिट है। ठीक है, इन द लिमिट द कंप्रेशन प्रोसेस एंड्स एट टी मैक्स। ओके, सो दिस साइड वी शो द एफिशिएंसी एंड इफ दिस साइड शो ऑप्टिमम प्रेशर और प्रेशर रेशियो। सो एफिशिएंसी इक्वल टू वन माइनस वन बाय आरपी टू द पावर गामा माइनस वन बाय गामा। तो जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, इफिशियंसी इंक्रीज दैट मीन्स प्रेशर रेशियो इंक्रीज करेंगे, इफिशियंसी विल इंक्रीज। ठीक है, बट अप टू ऑप्टिमम प्रेशर लेवल, दैट मीन्स सपोज कि यहाँ पर हम काम करते हैं अप टू दिस प्रेशर एंड आफ्टर दैट द कर्व क्या हो जाएगा, दिस कर्व विल बी फ्लैट। और ये कब होगा, व्हेन द इफिशियंसी इज इक्वल टू द कार्नोट इफिशियंसी। एक मिनट, आरपी मैक्स, सो एफिशिएंसी इक्वल टू वन माइनस वन बाय आरपी टू द पावर गामा माइनस वन बाय गामा आरपी मैक्स। ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू कार्नोट एफिशिएंसी, एंड कार्नोट एफिशिएंसी इक्वल टू वन माइनस टी मीन बाय टी मैक्स। कंपेयर करते हैं दिस एंड दिस, सो आरपी टू द पावर आरपी मैक्स टू द पावर गामा माइनस वन बाय गामा इक्वल टू टी मैक्स डिवाइडेड बाय टी मीन। देयरफॉर RP max equal to T max divided by T mean to the power gamma by gamma minus 1. So this is maximum pressure ratio, ठीक है, then the efficiency of the Carnot and Brayton will, ठीक है, so ये pressure इस case में ओके बंटी कुमार। यस सर, क्या खांसी हो गया है, और स्टूडेंट सब कहाँ गए? नहीं पता सर, कनेक्ट नहीं, और प्रॉब्लम कर रहा था बार बार,
हो सकता है कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको मैसेज किया तो उसने देखा कनेक्ट हो, डिलीट कर दिया। ओके हो। अच्छा सर, हाँ आपसे बात करना था सर, हाँ अली बोलो। ने सर, अली इमाम, एमडी अली इमाम, हाँ एमडी अली इमाम सर, हाँ एमडी अली। उससे बात हुआ सर तो। हाँ हाँ सर, वो हमसे बात किया एक दिन तो बोल रहा था कि देखो बंटी, अगर कॉलेज अगर नहीं बुला पाएगा हमारा कैंपस मैकेनिकल के लिए, तो क्या हम लोग बुला सकते हैं? वो पूछ रहा था कि उसका कुछ फ्रेंड है सर, तो वो बुला सकता है कंपनी, एवरेज कंपनी सर कॉलेज में, तो वही पूछा था कि बड़ा क्लास ज्वाइन करने किया नहीं। वही बोल रहा था सर पूछने के लिए, तो वो बोला था कि ज्वाइन करेंगे, पता नहीं से ज्वाइन नहीं किया क्लास। तो तुम लोग बुलाओ, मतलब मतलब वो पहचान में है सर, तो वो बोल रहा था कि कंपनी नहीं आएगा तो हम लोग बुला सकते हैं अपने से कंपनी किया, वो पूछ रहा था, क्योंकि उसका दोस्त भेजेगा तो वो कॉलेज पे ही भेजेगा सर, एक वो फिर लड़का फ्लू भेजेगा कंपनी, वो अली बोल रहा था। अच्छा तो कौन सा कंपनी है पहले ये बोला तो, हम रणदीप सर से जो भी पूछ के हम इन्फॉर्म करेंगे। ये तो वही हम वही बोले कि तुम बता देना सर, तो सर अपना अप्रूव करें, क्रॉस चेक कर लेंगे कंपनी कैसा है, ठीक है कि नहीं, उसके बाद फिर बात कर लेंगे। तो बोला हाँ, फिर बात करना होगा सर से, तो ठीक है बात करना, तो फिर आया नहीं आज क्लास में। और बोल रहे सर मेरा नहीं था सर बोल्ट मैट्रिक्स वाला, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं सर, समझ नहीं आया सर क्या होगा। उसमें भी सर कुछ आया नहीं अभी तक, बोला था कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में पहुंचना है, ऑफर लेटर अभी तक दिया नहीं, मैसेज कर रहे रिप्लाई नहीं कर रहे ग्रुप में कोई। कौशिक सर भी हैं और वो भी हैं, वो जो कंपनी के हैं, सो कोई रिप्लाई नहीं दे रहे कुछ। नहीं तो अभी तो पास आउट नहीं ना, तुम लोग का टाइम लगेगा जहां पे हमको लग रहा है, क्योंकि रणदीप सर बोल रहे थे अभी पास आउट होने तुम लोग का टाइम है अभी। रामगढ़ चाईबासा में दे दिया सर ऑफर लेटर, नहीं रामगढ़ चाईबासा में ऑफर लेटर दे दिया, वही पता नहीं क्यों क्यों नहीं दे रहा हम लोग को। पता नहीं, अब इंटर ऐसा तो कुछ नहीं है हमको लगता है, लेकिन दे देगा ये। हाँ अच्छा ठीक है, और रणदीप हाँ पूछे थे तो बोले कि नहीं अभी तो पास आउट होने में लोग का टाइम है, तो तब तक हो जाना चाहिए। ओके सर, ओके सो नेक्स्ट क्लास से इन्फॉर्म करोगे, सभी को प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है? ओके सर। सभी का तबीयत खराब हो रहा है धीरे धीरे क्या? यस सर, मतलब सर 3-4 दिन पहले तो सर 102 डिग्री पहुंच गया था बुखार, क्लास वास कुछ नहीं कर पा रहे थे। सर आप ओके ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास से इन्फॉर्म कर दोगे, सभी को प्रेजेंट रहना चाहिए क्लास के टाइम पे। ओके जब भी ऑनलाइन क्लासेस में थे तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कभी भी क्लास तुरंत अटेंड कर सकते हैं।